पर से आकर हमारे मुजफ्फरपुर के कांटी में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला है। पूरा मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर का है। वहीं मृतक की पहचान 35 वर्षीय शिवजी शाह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक शिवजी शाह का अपने भाइयों व माँ से लगातार जमीन विवाद चल रहा था और इस मामले की शिकायत के बाद कांटी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही थी। वहीं मृतक शिवजी शाह जमीनी विवाद को लेकर अपने घर कांटी के सदातपुर न रहकर अपने ससुराल मोतीपुर में महना में अपने परिवार वाले के साथ रहता था और फिलहाल जमीनी विवाद सलटाने को लेकर घर पर आया था। वहीं मृतक शिवजी शाह के छोटे भाई की भी इसी हफ्ते शादी होने वाली थी। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और शादी की सहनाई मातम में तब्दील हो गई है। वहीं मृतक शिवजी शाह की पत्नी और उसके दो छोटे भाई का आरोप है कि उसके एक भाई और उसकी बहन ने मिलकर उसके शिवजी शाह की हत्या कर फंदे से लटका दिया है। इधर कांटी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। की घटना भी लगा की पता चल रहा था? रातें हम लोग का मार के एकदम बेहोश कर दिया। अच्छा। सीता, सोनू, माए, सासू माँ, दोनों ननद, चंदन, ननद नंदोसी दोनों मार के बेहोश। पूर्व से कोनो विवाद उवाद भी रहेगी? नहीं, जमीन में जमीन के झंडा चल रहा था। जमीन दोनों बहन के नाम से कर दिया है, एक भाई के नाम से कर दिया है। करने के बाद में ये बोले कि हमारा हिस्सा कहाँ गया, दो माँ माँ सबको ना पैदा किया है, नहीं दिया। बोला कहती कि नहीं, तुमको हम पैदा नहीं किए। अच्छा, आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि सीता गई है तो बोली है कि तुमको पुरान का खड़ से फूंक देंगे। आज ये बांध पर बैठे हुए थे, बांध पर बैठे हुए थे, बोले कि फूंक देने के लिए। ये बोले कि जाओ जाओ से तुम हमको फूंक देना। कौन आपके पति? नहीं, सीता कह के गई है कि तुमको हम फूंक देंगे। एक एक के घर में, नहीं मेरा पति को। अच्छा। एक एक घर में आग लगा के झोंकार देंगे। अच्छा। सीता कौन लगती है? ननद, ननद बड़ी वाली ननद। अच्छा। आनंदोसी दोनों मिल के कहा है हरिंदर शाह। तो दोनों मिल के इनको मार दिया? हाँ। सोनू। क्या नाम है पति का? शिवजी शाह। शिवजी शाह क्या करते थे? बिजनेस करते थे। आपका क्या नाम हुआ? शिल्पी। पत्नी है आप उनकी? जी। क्या घटना हुआ है, क्या सुना? आज हम लोग गए थाना पे, गए कल हम लोग रात में सबको मारा पीटा गया है। किसको? मेरी बड़ी वाली भाभी को, बड़ा वाला भाई को। अच्छा। और उनसे हम तीन भाई को मारा गया है। कौन सा मारा है? मारा गया सोनू, मारा मेरा वो भी भाई है, ठीक है, सोनू, सीता देवी, गीता देवी, चंदन शाह, हरिंदर शाह और अज्ञात पांच आदमी था, जो इनका नाम जीरो माइल दो के पहचानते शकल से। इनका घर जीरो माइल है, ठीक है, जो सोनू कुमार के साथ वो साला होने वाला था वो है। काहे मारा है? वो मेरी दोनों बहन एक भाई जमीन अपने नाम पर घर माँ से लिखवा लिया। हम लोग कहे कि हम लोग ऐसा कहाँ है, तो इसी लेकर तुम लोग भागो, कुछ नहीं है। देखभाल करता उसी कि जो माँ को देखभाल करता। हम लोग तो सभी तो माँ बाप माँ के देखभाल कर ही रहे, हम लोग सब लोग कर ही रहे कंटिन्यू देखभाल। अच्छा। फिर भी हम लोग को बोला यहाँ से भागो। कल उसका पूजा मठ को और हम लोग इसे मालूम चला तो हम लोग सबको मारा, बेरहमी से कल मारा। कल यहाँ कल कांटे सदर अस्पताल गए थे, उसके बाद यहाँ SKMCH आए थे, यहाँ से फिर इलाज उलाज कर सुबह घर चले गए। घर गए उसके बाद फिर हम लोग बैठे थे शाम, दोपहर हो गया, दोपहर में वो आई और धमकी दे के गई, ठीक है। हम लोग फिर सोचे तो थाना के सूचना दे देते हैं, थाना पे गए हम लोग, कंप्लेन लिखे थाना, मेरे भैया अनिल कुमार साहब, ठीक है, उनको हाजत बंद कर लिया, वो हमको खाइटे हम भागे गए। वो भैया बोले घर पे हम हैं, ठीक है, वहाँ पे गए वो मेरे जो बड़े वाले बनोई है हरिंदर साहब, ठीक है, उनको भी इनके साथ बंद कराया गया, ठीक है, उनको आज के बारे में बता रहा है ये, ठीक है, उनको दोनों को बंद किया गया है, इनको अंदर डाल दिया, उनको बाहर निकाल दिया, कुटुंब समझ के उसको छोड़ उसको दिया। छोड़ दिया, वो आया, ठीक है, वहाँ वो धर्मवीर को दिया 20,000 रुपया। मैं देखा, मुझे मैं पैसा जब देखते हैं मुझे सोचा हम वीडियो बनाते हैं, मुझे मारने के लिए दौड़ा था, थाना था पीछे साइड में नंगल में नुका गया। उसके बाद धर्मवीर नाम है वहाँ के जो रीडर कहा जाता है,
थाना पर के रीडर। अच्छा। हमको वो खटाया मारने के लिए दौड़ा, हम भागे बाहर से, वो इनको अंदर कर दिया। उसके बाद हमको भैया को फोन किए, फिर बगल के एक मेरे भैया लोग उनको फोन किए, बता घर पे जाइए, ऐसा सब बात है। क्या बात है मतलब? वही जो भैया के मैं फोन नहीं उठा रहे। अच्छा। मेरा भैया फोन नहीं उठा रहे, जाके देखिए क्या हुआ। वो भैया गए तो बोला ऐसा ऐसा बात है, वो तब तक वो लोग भाग चुका था। यहाँ पर मेरी माँ भर्ती थी, ठीक है, मेरी माँ के पूरी यहाँ थे, मेरी माँ यहाँ भर्ती थी, मैं वार्ड में गया अभी, वो सब यहाँ SKMCA छोड़ के ही भाग चुका है। भैया का क्या हुआ? भैया को वो फसला के मार दिया। अच्छा। हम लोग गए थे लटके हुए, मेरा घर का गेट भी खुला हुआ था। चार आदमी वहां पे मौजूद था, सोनू कुमार, सीता देवी, गीता देवी, हरिंदर साह, चंदन साह, मतलब उन लोगों को फांसी पर, और एक सोनू कुमार का जो ससुर है, इतना दिल के कमजोर नहीं था कि वो लोग मार दिया। हाँ, कभी भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रवि कुमार। क्या लगते थे वो मित्र? मेरे बड़े भैया है। बड़े भैया लगते हैं जी। क्या करते थे वो? वो बिजनेस करते थे। बिजनेस करते थे यही मुजफ्फरपुर में? नहीं, वो अरुणाचल में। अरुणाचल में बिजनेस? ईटानगर। कुछ दिनों से खुद लॉकडाउन हुआ, कुछ स्थिति खराब, वो चले आए। अच्छा। खुद यहाँ भी खुद अपना बिजनेस करते थे। क्या काम करते, क्या चीज का? यहाँ पर सीजनली बिजनेस, लीची हो गया, हम लोग जात के साहब जी, वो सीजनली बिजनेस करते थे यहाँ पे जी। उनका क्या नाम हुआ मृतक का? शिवजी कुमार साह। शिवजी कुमार साह। घटना हुआ, घटना यह है कि हम लोग अपना जमीनी विवाद चल रहा था भाई बहन का। हाँ, भाई बहन, माताजी हमारी तीन भाई को छांटकर एक भाई के और दो बहन के नाम पे ज़मीन पूरा रजिस्ट्री कर दिया, सात दूर छोड़कर। हाँ, लमसम 23-24 दूर। तो हम लोगों को कम पड़ रहा था घर बनाने में, क्योंकि उतना सात दूर ज़मीन में हम तीन भाई घर नहीं बना पाते। हाँ, इसके लिए हम लोग विद्रोह कर रहे थे। इसके लिए कल शाम को मारपीट हो गया। हाँ, गाली गलौज होते होते मारपीट हुआ। फिर आज हम लोग थाने पे गए एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहाँ पहले से ये लोग मौजूद था। हाँ, फिर हम वहाँ पहुँचे, एप्लीकेशन दिखाएं, हमसे पूछा गया कि क्या क्या करना चाहते हैं। हम कहे कुछ नहीं, बस सॉल्व करवा दीजिए हमारे ज़मीन को। हाँ, क्योंकि हम आप लोगों को कई बार बोल चुके हैं। कहाँ लगे? हम थाना पे खुद गए थे। अच्छा। हाँ, थाना पे गए थे हम कंप्लेंस देने। अच्छा। हाँ, कल जो झगड़ा हुआ था उसके। हाँ, फिर वहाँ पे बोला एक दरोगा था, उनका नाम अभी हम नहीं जानते हैं। हाँ, नाम हम अभी पूछ करके बताएंगे, रवि से पूछो क्या नाम है, रवि को मालूम है। तो वो बोला कि दोनों में से एक एक गो के अंदर डालो। हाँ, तो फिर दोनों को लेके गया, एक मेरे बड़े बनोई को, हाँ, और एक मेरे को। तो हम कहा ठीक है, डाल दो, हाजत में डाल। हाँ, हाजत में डाला। हम, हाँ, आज मृत्यु होने से एक दो घंटा पहले की बात है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हम अंदर गए, उसको फिर नहीं जाने दिया अंदर। हाँ, बोला हम कुटुम आदमी है। अच्छा। तो कुटुम समझ के उसको छोड़ दिया, क्या समझ के छोड़ा प्रशासन जाने। हाँ, फिर वो उसके बाद हम बोले अपने पत्नी को, भाभी को और बाबो को, आप पर कोई विवाद कोई केस भी? कोई मेरे ऊपर आज तक लाइफ में कोई केस नहीं है। हाँ, तो मैंने इन तीनों लेडीज़ को बोला कि आप लोग घर जाइए। हाँ, कि हम दो चार घंटा में ये लोग खुद 1000-2000 रुपया लेगा। हाँ, छोड़ देगा। हाँ, तो फिर ये लोग थोड़ा सा आगे गया, फिर वापस गया कि ये देखिए कि वो लोग आगे हंस रहा है। सीता, ये सब सीता मेरी बहन है। हाँ, बड़ी वाली। तो हम कहा ठीक है, हंसने दो। हाँ, आज उसका दिन हंसेगा, कल हम भी हंसेंगे। क्या हुआ? तो फिर ये लोग यहीं रह गया, गया नहीं घर। अच्छा। हमारी भाभो, वाइफ और भाभी, तो हम उसको बोले जाओ, नहीं गया। हम बोला भाई से कुछ भी मत बोलना। हाँ, कि वो आ जाएगा। हाँ, उस पर पहले से एक केसेस था, इसके लिए हम उसको नहीं बुलाना चाहते हैं। हाँ, छोटा सा। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में हमको मतलब हाजत में 1.5 घंटा रखा गया। हाँ, ये कितना गुहार लगाई तीनों मिल के, सर छोड़ दीजिए, कितना रोने उने के बावजूद भी। हाँ, बाद में फिर क्या हुआ? नहीं छोड़ा। हाँ, बोला तुम लोग जाओ। हाँ, हम छोड़ देंगे, तुम लोग जाओ। तो क्या पता चला? बाद में हमारे घर से फोन गया हमारे नंबर पे। हाँ, हमारी चाची का पुतो, हमारे श्याम भाई का पुतो, वाइफ फ़ोन की कि आपका शिवजी भाई नहीं रहा। हाँ, कि आपका भैया नहीं रहा। तो हम समझ नहीं पाए, हमको क्या हुआ। तो बोला कि जो लटके हुए हैं।
तो हम एक बार में समझ गए कि क्या हुआ होगा। आत्महत्या की है? नहीं, आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या जैसा वो व्यक्ति। अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।